हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास टेंथ का वैसे तो हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर फोर। लेकिन एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है डाउट कि मैम इमर्जेंट रे क्या होता है लाइट चैप्टर से, तो मैं यहाँ पर इमर्जेंट रे के बारे में बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि डाउट को बताने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखो कभी तबीयत ठीक नहीं होती, कभी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। देखिए इमर्जेंट रे, अगर हम इमर्जेंट रे की बात करें तो इसके लिए मैं एक ले लेती हूं ये ग्लास स्लैब, ठीक है। तो मैंने ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया, जो कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपके सिलेबस में आप बुक उठा करके देखोगे तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ही एग्जांपल दिखाया गया है। ओके, अदरवाइज आप प्रिज्म से भी ये चीज आप दिखा सकते हैं, है ना। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट आप ले लीजिए मीडियम, जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत होती है। अब इसमें मान लो कि कोई रे आ रही है, तो वो रे कहां से आ रही है, तो ये बाहर, बाहर में क्या है बच्चों, बाहर में एयर है ना। तो यहां पर है एयर, ए आई आर, एयर। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ग्लास, है ना। तो ये ग्लास हो गया, वापस फिर ये क्या है, नीचे नीचे वापस एयर है। तो एयर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। अगर हम एयर के पार्टिकल्स की बात करें तो ये दूर दूर होंगे, ग्लास के पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होंगे, ठीक है ना। तो ग्लास के पार्टिकल जितना मैं बना रही हूँ उससे भी ज़्यादा पास पास होंगे, ओके। तो ये हो गए ग्लास के पार्टिकल। अब इसमें देखो, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पर कम है पार्टिकल की, दूर दूर है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। वापस फिर यहाँ पर पार्टिकल एयर है, तो भाई पार्टिकल यहाँ पे क्या होंगे, दूर दूर पार्टिकल होंगे, तो वापस ये पार्टिकल दूर दूर हो गए। तो ये जो एयर है ना, ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रेयरर मीडियम। तो एयर हो गया ये रेयरर मीडियम, है ना। इसको हम बोलेंगे कि तुम क्या हो, तुम रेयरर मीडियम हो, ओके। तो ये रेयरर मीडियम हो गया। अब ग्लास को अगर हम देखें तो ग्लास हमारा क्या है, ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। फिर एयर से हमने पूछा कि तुम क्या हो, मैं तो रेयरर मीडियम हूं, है ना। तो वापस ये क्या है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। अब हम लाइट को बुलाते हैं कि लाइट भाई साहब आप आ जाओ। तो लाइट आना आते हैं, ठीक है, लाइट प्रवेश करते हैं, ये मैं आ रहा हूं एयर से, ठीक है। तो सीधे आते हैं, देखो ये रे, ये ऐसे 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 आई 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 आई, मान लो कि इस तरीके से आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये लाइट यहां आई, लेकिन यहां आकर के हम क्या देख रहे हैं, ग्लास कहता है अरे रुक जा, तू जिस स्पीड से आ रहा है उस स्पीड से तू ग्लास के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। ये यहाँ पर एयर का सॉरी लाइट का स्पीड क्या है बच्चों, यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी ये एब्सोल्यूट स्पीड होगी, यानी कि 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में, एक सेकेंड आपने बोला 1/30 करोड़ मीटर चली गई लाइट, ठीक है। तो ये क्या है, लाइट की स्पीड है, ये एब्सोल्यूट स्पीड है, यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। तो हम एयर में तो थोड़ी सी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उसको हम वैक्यूम से ही रिलेट कर लेते हैं कि चलो वैक्यूम जैसे ही मान लेते हैं कि चलो ठीक है ना। वैक्यूम में लाइट की स्पीड ये होती है, चाहे एकदम ट्रैफिक नहीं है, खाली है, वहाँ पर लाइट इस स्पीड से भागता है। तो हम एयर में भी मान लेते हैं कि थोड़ा सा फर्क है, उसको उसके ऊपर अगर हम ध्यान ना दें तो लाइट की स्पीड इतनी है। तो इस स्पीड से लाइट यहाँ पर आ रहा है। तो देखो ये लाइट यहाँ से, ये रे यहां से प्रवेश किया, तो आने वाली रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये आ रही है, यानी कि ये रे क्या कर रही है, एंटर कर रही है। अब ये जाती है कहां, जैसे ही ये ग्लास में इस पॉइंट पर जैसे ही आती है, तो ग्लास क्या कहता है कि रुक जाओ, है ना, आगे मत बढ़ना। क्यों, क्योंकि आगे ग्लास मैं हूं, और मैं जो हूं, मेरे अंदर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो तुमको यहाँ पर अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर लाइट को अपनी स्पीड कम करनी होगी। तो कितना लाइट में कैसे फ़र्क पड़ा, उसको जानने के लिए हमने इसी पॉइंट पर जहाँ पर ये लाइट आई है, रे आई है, वहीं हमने खींच दिया एक नॉर्मल खींच दिया हमने। तो हमने क्या देखा कि ये रे जो है, जो उधर से आ रही थी, वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक गई, यानी कि इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका डायरेक्शन कुछ यूं हो गया, दिख रहा है ना आपको कि यहां से मुड़ गया है। तो यहां पर पहली बेंडिंग हुई, यानी कि फर्स्ट यहां पर क्या हुआ बच्चों, ये हो गया रिफ्रैक्शन। क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो यहां पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट कर गई, है ना, यानी कि अपने रास्ते से मुड़ गई। क्यों मुड़ी है, क्योंकि स्पीड इसकी क्या हो गई, कम हो गई। यहां से इसकी स्पीड कम हो गई, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। तो इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, स्पीड कम हो गया। लेकिन अब जब तक ये ग्लास के अंदर जाता रहेगा तब तक इसकी
स्पीड उतनी ही बनी रहेगी और वही डायरेक्शन रहेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही अब वापस ये सीधा 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 जाना शुरू किया, ठीक है। जाते 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 जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो अब ग्लास कहता है कि भाई साहब अब आप अपनी स्पीड से जा सकते हैं क्योंकि अब जा रहे हैं आप एयर में, और एयर कहता है कि मेरे अंदर ट्रैफिक बहुत कम है ना, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, इतना धीरे धीरे आने की जरूरत नहीं है। तो हमको कितना स्पीड बढ़ रहा है ना और किधर की तरफ ले जा रही है वो जानने के लिए इसी पॉइंट पर वापस हम खींचते हैं क्या, एक नॉर्मल खींचते हैं। ये हमने खींच दिया एक नॉर्मल। जब यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं तो हमको ये दिखता है कि ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल से इस तरीके से दूर भागते हुए हमको दिखाई दे रही है, ऐसे ये निकल गई, ठीक है। तो देखो ये रे जो है ये एंटर करती है ना, ये आती हुई रे है और ये जाती हुई रे है, ठीक है। तो देखो लेकिन ये रे जो आई है ना वो आई कहाँ से, एयर से। जब गई तो कहाँ गई, एयर में, ठीक है। जहाँ से आई कहाँ से आई, तू कहाँ को जाएगी, तो आई कहाँ से, एयर से, जाएगी कहाँ, एयर में। तो यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से क्या हुआ, ये रे एग्जिस्ट हो गया, निकल गया। जैसे थिएटर में आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वन बाय वन आप हॉल में इधर से एंटर करते हैं, आपने इधर से एंटर किया, ठीक है, तो ये एंटर हुआ। फिर आप हॉल के अंदर बैठे, बैठ गए हॉल के अंदर, है ना। आपने पूरी मूवी देखी, देख ली, वापस आपको एग्जिस्ट करना है, अब इधर से आप क्या करेंगे, एग्जिस्ट करने निकल जाएंगे। निकल के वापस आप कहाँ आएंगे, थिएटर से बाहर आएंगे। पहले भी आप थिएटर से बाहर अंदर थिएटर में प्रवेश किए थे, बाहर से अंदर आए थे, अंदर आपने मूवी देखा, मूवी देखने के बाद वापस आप कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो ये यहाँ से आपका मतलब आपने यहाँ से एंटर किया और यहाँ से आपने एग्जिस्ट किया, निकल गए, ठीक है। तो आती हुई रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रे वापस उसी मीडियम में जा रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, है ना। एग्जिस्ट रे जो हो रही है उसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। अब देखो इसको आप रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे तो ये होगा ना कि आप इस वाले रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हो, आप इस वाले रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हो, पहले वाले, या फिर यहाँ पर रास्ता, जहाँ रास्ता मुड़ता है वहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन। तो एक बार यहाँ पर रास्ता मुड़ा, रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ पर रास्ता मुड़ा, रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ वाले रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं या आप दूसरे वाले रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने पहले वाले को तो रिफ्रैक्टेड रे कह दिया और हमने दूसरे वाले को इमर्जेंट रे कह दिया कि तुम अपने मीडियम में वापस चले गए, तुम अपनी दुनिया में, ठीक है। तो तुम कौन हो, इमर्जेंट रे। तो यहाँ से इस मीडियम से होकर के वापस अपने मीडियम में आने वाली रे ही कहलाती है इमर्जेंट रे। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग को अपना डाउट, आप लोगों को नहीं, एक ही स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, ध्रुवी ने पूछा था, तो ध्रुवी आपको अपना ये डाउट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बताने में लेट हो जाता है, मैंने बताया आपको कि कभी तबीयत ठीक नहीं रहती, आवाज़ जैसे भारी हो रखा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं वापस अपने चैप्टर पर कार्बन एडेड कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।